तो हमारे साहिल भाई ने पूछा है कि भैया कैलोरी डेफिसिट में प्रोग्रेसिव लोड बढ़िया होता है या स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है साहिल भाई, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो कि थोड़े अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, सो सबका एक ही सॉल्यूशन है। अब सुनिए, जैसे कि आपको पता है तीन फेस होते हैं, एक तो आपका कैलोरी सरप्लस, एक कैलोरी मेंटेनेंस और एक कैलोरी डेफिसिट। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरी सरप्लस के बारे में। कैलोरी सरप्लस में आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज जैसे कि आपको पता है जब भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड ले जाते हो तो आपकी मसल पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और स्ट्रेस पड़ता है तो वो डैमेज भी होगा। तो ध्यान रखना, डैमेज को अच्छे से रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन वगैरह इन सब की ज़रूरत तो पड़ती ही है, साथ में आपको ग्लूकोज की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको कहाँ से मिलता है, कार्ब से। और यही सिचुएशन आपकी कैलोरी मेंटेनेंस में भी हो जाएगी, ओके। बट कैलोरी डेफिशिट में ये प्रॉब्लम होगी कि आपको जो कार्ब्स की क्वांटिटी है वो लिमिटेड रखना पड़ेगी, और साथ में आपको कैलोरी डेफिशिट में रहना पड़ेगा, यानी कि जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम खाना उतना ही खा रहे हैं और ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो इससे हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब जब बॉडी स्ट्रेस में, उसे रिकवरी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो आप कितना दे रहे हो, बहुत कम दे रहे हो। सो इसीलिए आपको कैलोरी डेफिसिट में स्ट्रेंथ बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिकवरी के कारण। हाँ, जरूर आप ये कर सकते हो, जो आपका वेट है उसे मेंटेन करके रख सकते हो, यानी कि जो भी आप लिफ्ट करते हो 30 किलो 35 किलो उसे मेंटेन रख पाओगे, बट ऊपर प्रोग्रेसिव बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ये देखा है और मतलब महसूस भी किया है। ओके, आई होप साहिल भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये।